हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन टुडेस वीडियो आई एम वेरी एक्साइटेड। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली ओवरसाइज शर्ट, जो कि बहुत ज्यादा मॉडेस्ट होने वाला है। सब कुछ ब्रांडेड है बट मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में मिल गया है। अभी फेस्टिव सीजन चालू है, अमेजोन पे बहुत ही अमेजिंग डिस्काउंट, क्योंकि अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल इज लाइव नाउ। गेट मिनिमम 50-80% ऑफ ऑन 1500 प्लस टॉप ब्रांड्स एंड डील्स ऑन 3 लाख प्लस स्टाइल्स। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट विद माय फेवरेट शर्ट व्हिच इज दिस वन। ठीक है, मॉडर्न शर्ट है, इसमें आपको फ्रंट से ना पॉकेट मिल जाता है। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड स्टाइली। मैंने साइज यहाँ पे पहनी हूँ, एक्सेल साइज है ये। ठीक है, द कलर इज सो गुड, मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा। दैट्स व्हाई आई सेड कि लेट्स स्टार्ट विद माय फेवरेट वन। फ्रंट में ना आपको पूरा सा बटन मिल जाता है। यू कैन ऑल्सो वेयर इट लाइक अ ड्रेस। ठीक है, आप ऐसे ना टॉप वेयर के जैसे भी इसको पहन सकते हो, क्योंकि ये जो बटन दिए गए है ना, इसके ऊपर ऐसा ना कवर आ जाता है, लाइक देयर इज अ क्लॉथ जिससे कवर हो जाता है और दिखता ही नहीं है कि बटन लगाए हुए हो, विच इज वेरी नाइस। एंड उससे ना मॉडर्न लुक भी आता है, जस्ट इन केस अगर कोई भी शर्ट आपको टाइट है या फिर नो देयर इज अ गैप हमेशा कि कभी ना कभी ऐसा ना अंदर विजिबल होता है। सो ये ऐसा जो क्लॉथ आता है ना, उसकी वजह से ना ज्यादा विजिबल नहीं होता है। इट्स वेरी मॉडेस्ट और फ्रंट से आपको ऐसा 2 पॉकेट भी मिल गया है। द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट इट, पीछे से ना ये इनफ बैक कवरेज दे देता है। आई एम स्टाइलिंग दिस विद जीन्स, आप कैसे भी स्टाइल कर सकते हो। एंड इसका जो मटेरियल है ना, ये कॉटन मटेरियल आ गया। ठीक है, यू गाइस कैन सी, आपको इसको थोड़ा सा आयन करने की जरूरत पड़ेगी। इसको ना मैंने एज अ ओपन करके भी ना पहनी, अंदर मैंने ये वाला टी शर्ट पहनी थी। इट्स अ बेसिक टी शर्ट जो कि हर किसी के पास होना ही चाहिए। आप इस तरीके से भी इसको स्टाइल कर सकते हो। ठीक है, एकदम कोरियन आउटफिट वाइब लग रहा है मुझे। लेट मी नो व्हाट यू गाइस। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट आई हैव दिस शर्ट जिसको बिल्कुल इस्त्री की जरूरत नहीं है और इतना क्यूट लगा है मुझे। इसके स्लीव में ना ऐसा डिटेलिंग आ जाता है, आपको नॉट बांधना है एंड एज अ इलास्टिक गिवन। आप अपने हिसाब से आपको कितना टाइट चाहिए उतना टाइट आप बांध सकते हो। ठीक है, यू कैन वेयर इट अकॉर्डिंगली। मुझे पर्सनली ये जो टेक्सचर है ना, इसका बहुत सही लगा है और इसका लेंथ पहले वाले से ज्यादा लेंथी है, तो बैक कवरेज फ्रंट कवरेज ही आपको आराम से अच्छा बैक कवरेज देगा। ठीक है, दिस इज द साइज एक्सेल। आई डोंट नो व्हाई मैंने एक्सेल साइज परचेज किया, आई थिंक लार्ज साइज वुड बी इनफ बट स्टिल आई जस्ट वॉन्टेड टू कीप इट मॉडेस्ट आई गेस, इसीलिए मैंने एक्सेल परचेज कर ली। आई डोंट नो व्हाई आई एम रिग्रेटिंग यार, मुझे लार्ज साइज ले लेना चाहिए था। इसका ओरिजिनल प्राइस इज 899। अगेन दिस इज द फ्रॉम ब्रांड स्टाइली का ही है। एंड या दिस इज हाउ इट लुक्स आफ्टर वेयरिंग, आई रियली लाइक इट। लेट मी नो व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट द ओवरऑल लुक। इसको भी मैंने एज अ ऊपर से बस ऐसे श्रॉक जैसे भी पहन के स्टाइल की हूँ विद द सेम टी शर्ट। सारे ही शर्ट में ना ये अंदर व्हाइट कलर का टी शर्ट पहनी हूँ। आप चाहे तो स्ट्राइप टी शर्ट भी पहन सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यहाँ का ही पिक्चर लगा दूंगी। उसके साथ भी ये बहुत सही लगने वाला है। कोई भी शर्ट आप अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हो। इट लुक्स सुपर मॉडर्न एंड इट्स अ बेस्ट ऑप्शन यू गाइज। आई थिंक यू शुड डेफिनेट चेक दिस आउट। इसको तो इस्त्री करने की भी जरूरत नहीं है। एंड अगेन द बटन डिटेलिंग, इसके बटन कुछ ऐसे है, देख सकते हो। आई रियली लाइक। ओके, अच्छा ये जो कलर है आई डिडंट थॉट कि मेरे पे इतना सूट करेगा, बट आई रियली लाइक इट। इसका भी मटेरियल अलग है। सारा ही मैंने प्लेन शर्ट दिखा रही हूँ आपको, इट्स रियली प्रिटी। ये इसका टेक्सचर अलग आ गया है। जितने भी मैं आपको शर्ट दिखा रही हूँ ना, सबका मटेरियल इज वेरी डिफरेंट। इसमें आप देख सकते हो ऐसा कुछ टेक्सचर आ गया है, सी लाइन जैसी ना डिटेलिंग दी गई है। आई रियली लाइक द मटेरियल। ये भी कॉटन ही है। ठीक है, इसमें भी साइज मैंने एक्सेल परचेस की हूँ यार, मतलब एक्सेल की जरूरत नहीं थी। अगर आप मेरे साइज के हो तो गो फॉर लार्ज साइज। ठीक है, एक्सेल साइज आ गया है ये। इसका ओरिजिनल प्राइस अगेन 999, पर मुझे अभी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल गया काफी, इसीलिए आई गॉट इट। इसमें भी आपको स्लीव में सेम डिटेलिंग मिल जाती है। ठीक है, आप इसको रोल अप करके भी पहन सकते हो, फुल स्लीव जैसे भी मैंने जैसे पहनी आप वैसे भी पहन सकते हो। इसमें पीछे से भी आई डोंट नो ये क्या रीजन के लिए दिया गया है, बट पीछे भी आपको एक ऐसा मिल जाता है बटन। मुझे ये समझा नहीं, लाइक पता नहीं ये क्यों दिया गया है, मे बी जस्ट फॉर अ स्टाइल के लिए दिया गया है आई गेस। तो या इसको मैंने बटन क्लोज करके भी यहाँ पे स्टाइल करके दिखा रही हूँ, एंड व्हेन आई ओपन्ड इट और ज्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे लगता है कि ना अंदर व्हाइट टी शर्ट पहन के जब मैं ऐसे पहनती हूँ ना, ज्यादा कैजुअल क्लासी लुक लगता है।
ठीक है, लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक. मॉडर्न ड्रेसेस में ना मस्ट हैव चीज आपके पास होनी चाहिए, वो कि शर्ट. शर्ट आप अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हो. आप कोई मैक्सी ड्रेस पहन के उसके ऊपर भी शर्ट पहन सकते हो. यहाँ पे मैं कुछ पिंटरेस्ट की पिक्चर लगा दूंगी, यू विल गेट एन आइडिया. आप इसको अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हो. मैं यहाँ पे आपको एकदम बेसिक स्टाइल दिखा रही हूँ. दो स्टाइल है, बंद करके और ओपन करके, एकदम बेसिक सा, वही मैं आपके साथ. यू नोटिस सारे ही शर्ट के स्लीव डिफरेंट आ गए हैं. नेक्स्ट जो मैंने परचेस की हूँ इसका स्लीव इज वेरी डिफरेंट. ठीक है, एकदम सा लूज फिट सॉर्ट ऑफ स्लीव आ गया है. ये कॉटन नहीं है, दिस इज समवॉट लाइक क्रेप मटीरियल, बट इट इज नाइस. इसको मैंने आयरन करके पहनी हूँ. इसमें ही साइज एक्सेल ही है एंड इसका ओरिजिनल प्राइस 849 रुपीज है. ये थोड़ा सा शॉर्ट है, जो पहले मैंने आपको पहन के दिखाई थी थोड़ा ज्यादा मॉडेस्ट था, बट ये थोड़ा शॉर्ट शर्ट आ गया है. एक्सेल साइज का ही लेंथ आप देख सकते हो, इतना है. तो या इसके बटन डिटेलिंग कुछ ऐसा आ जाता है. आपको पॉकेट मिल जाती है फ्रंट में एक साइड, हाँ एक ही साइड आपको पॉकेट मिलता है. ठीक है, और पीछे से भी सिंपल सा वही एक ऑल ओवर एक ही मटेरियल आ गया है. प्लेन सा है बट टेक्सचर मैटर्स यू गाइस. मैंने अब की बार ज्यादातर टेक्सचर ही देखी हूँ. इसका स्लीव एकदम वो अबाया स्लीव नहीं होती है, एकदम लूज सी नॉर्मल बेल्ट स्लीव सॉर्ट ऑफ आ गया है, देख सकते हो. इट्स वेरी प्रिटी. और ये कलर न्यूट्रल कलर है, आप इसको अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हो. एक ये कलर का ना व्हाइट ब्लैक और न्यूट्रल कलर का शर्ट आपके पास होना ही चाहिए. आप अलग अलग वर्सिटाइल वे में इसको स्टाइल कर सकते हो एंड इट्स अ मस्ट हैव. आई विश इसमें थोड़ा सा लेंदी वाला, अगर ये शर्ट थोड़ा और लेंदी रहता आई वुड बी ग्रेटफुल, बट या दिस इज हाउ इट लुक्स. अगर आपको इसमें थोड़ा सा लेंदी वाला चाहिए तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. सारा ही एवरीथिंग इज फ्रॉम द ब्रांड स्टाइली, दिस इज हाउ इट लुक्स आफ्टर वेयर. मूविंग फॉरवर्ड, रिसेंटली मैंने ना ये वाला शर्ट पहनी थी. ब्लैक शर्ट इज अ मस्ट हैव. ठीक है, ये भी मैंने एज आई सेड ब्लैक व्हाइट और न्यूट्रल शेड तो मस्ट हैव है. ठीक है, इसके स्लीव में ऐसा डिटेलिंग आ गया है. इसका भी टेक्सचर क्रेप मटेरियल ही आ गया है. ये भी इसका टेक्सचर कुछ ऐसे आ जाता है, देख सकते हो. एवरीथिंग इज फ्रॉम द सेम ब्रांड. और ये जो क्या बोलते हैं इसका जो बटन डिटेलिंग है ये भी सेम सेम ही है. ठीक है, ब्लैक के ऊपर ब्लैक ही आया है. इसका लेंथ अच्छा है, इट्स लेंथी इनफ. इसको मैंने स्टाइल किया है विथ अ स्ट्राइप टी शर्ट इन साइड और कोरियन ट्राउजर्स के साथ में मैंने इसको स्टाइल की हूँ, देख सकते हो. यहाँ पे मैं प्रॉपर वीडियो लगा दूंगी, इट लुक्स नाइस. इसको मैंने थोड़ा अलग अलग तरीके से स्टाइल किया है. आई ऑल्सो गॉट फ्यू पिक्चर्स टू, आप देख सकते हो यहाँ पे. इट्स नाइस. आई विश इसमें मैंने ना लार्ज साइज परचेस की होती, बट दिस ऑल्सो लुक्स प्रिटी डिसेंट. यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ना एकदम ओवर साइज जैसा लग रहा है बस्ट एरिया में, एंड थोड़ा मैं और ज्यादा मोटी लग रही हूँ मुझे, इसीलिए आई वुड स्विच द साइज लार्ज. ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं जब भी शर्ट परचेस करूंगी आई विल ईदर गो फॉर लार्ज साइज और मीडियम. को सबर करो, खत्म नहीं हुआ है. नेक्स्ट आई गॉट दिस कलर, एश ग्रे सॉर्ट ऑफ कलर आ गया है. ये वो जो न्यूट्रल वाला था ना उसी में का ही अलग शेड आ गया है. आई गॉट दिस जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर. मुझे ऐसे ना यूनिक कलर्स बहुत ज्यादा पसंद है, देख सकते हो. इट्स समथिंग दैट एकदम यू नो कोरियन वाइब दे रहा है मेरे को. इट लुक्स वेरी क्लासी, वेरी सोफेस्टिकेटेड, एकदम एक्सपेंसिव लुक दे रहा है. लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट. ये भी शॉर्ट शर्ट है. ठीक है, इट्स नॉट वेरी लेंदी. जस्ट इन केस इफ दिस इज योर स्टाइल यू कैन गो फॉर इट. इसको भी मैंने बंद करके ओपन करके हर तरीके से यहाँ पे आपको स्टाइल करके दिखा रही हूँ. द मटीरियल क्वालिटी इज रियली रियली नाइस. पहनने के बाद में इतना कंफर्टेबल लगता है ना ये. लास्टली ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए आई गॉट दिस. आई हैव अ सिमिलर शेड बट यू गाइस ये थोड़ा ज्यादा मॉडेस्ट आ गया है एंड मुझे पर्सनली इसकी मटेरियल ज्यादा अच्छी लगी है, देख सकते हो. क्योंकि इसको मुझे आयरन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ऐसा कुछ टेक्सचर आ गया इसका. ऑल ओवर स्लीव इसमें ऐसे आ गई है, बो स्लीव नहीं है पर इट इज लेंदी इनफ प्रॉपर शर्ट जैसा. इसको आप रोल अप नहीं कर सकते हो, रोल अप का ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया गया है. आपको इसको ऐसा फुल स्लीव ही पहनना पड़ेगा एंड देख सकते हो कुछ ऐसा आ जाता है. पीछे से अच्छा कवरेज मिल रहा है, फ्रंट से अच्छा कवरेज मिल रहा है एंड इट इज नाइस. अगेन दिस इज क्रेप मटीरियल. ठीक है, क्रेप मटीरियल आ गया है. इसमें भी मैंने साइज परचेस किया है एक्सेल. आई डोंट नो मैंने क्या सोच के सब में एक्सेल ही परचेस कर ली हूँ, बट आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स एक्सेप्ट द ब्लैक वन. मुझे बाकी सब कुछ अच्छे से मैंने स्टाइल कर ली हूँ. ब्लैक वाला आई थिंक थोड़ा ज्यादा लूज है एंड दिस वन इसका ओरिजिनल प्राइस 1049 है.
यू गाइस वोंट बिलीव मुझे इतने सस्ते में मिल गया. इफ यू वांट टू नो मुझे कितने प्राइस में मिला है अभी जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर लो क्योंकि सारे लिंक्स मैं नीचे दे दूंगी. बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में है ये. मुझे 400-500 ये प्राइस रेंज में मिल गया है. प्राइस फ्लक्चुएट हुए जा रहा है एंड प्रोडक्ट्स आर गेटिंग आउट ऑफ स्टॉक लाइक क्रेजी क्योंकि या इतना अच्छा सेल चालू है. एवरीवन इज इनटू इट. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे पहन के दिखाई हूँ और सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडे. लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, डिस्क्रिप्शन चेक करना भूलना नहीं. हर चीज का लिंक मैं दे दूंगी. टी शर्ट, शर्ट, जीन्स और जो मैंने फुटवेयर पहनी उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लॉट्स ऑफ लव. बाय बाय.